शुक्रवार को वन विभाग परिसर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा नगर में निकालकर नगर के शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। संगीता आशापुरे ने बताया कि इस कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारा नगर, राज्य तथा देश खुशहाल रहे, किसी भी तरह की हमारे नगर में बाधा न आए। इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से नगर के 11 शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अमन चैन की भोलेनाथ से प्रार्थना की गई। कांवड़ यात्रा का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षाओं से स्वागत हुआ। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। सभी नगर कन्नौज के सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम। आज बहुत हर्ष का विषय है कि कन्नौज नगर में सावन के पावन पर्व पर मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति वैभव के द्वारा नगर में आज एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में नगर की सभी मातृशक्तियाँ सम्मिलित हो रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस यात्रा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, साथ में मेरे कन्नौज नगर वासियों को सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति प्रदान करे और महादेव कृपा करे कि हमारा भारत देश उन्नति करे, यश प्राप्त करे और कीर्ति प्राप्त करे। यहाँ हमारी कांवड़ यात्रा नर्मदेश्वर मंदिर नर्मदा रोड से निकलते हुए सीधे आस्टा रोड से होते हुए नर्मदा मंदिर जाएगी। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होगा। इसके बाद यह यात्रा कन्नौज नगर का प्राचीन मंदिर केदारेश्वर मंदिर में जाएगी, वहाँ भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होगा। इसके बाद यात्रा सभी कन्नौज नगर के सभी मंदिरों में महामंदिरों में जाकर अभिषेक करेंगे और मुख्य मार्ग से होते हुए सतवास रोड स्थित महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा तलाव मंदिर पहुँचेगी और वहाँ यात्रा का समापन होगा। और हमें बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज हमें कांवड़ यात्रा निकालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महादेव सभी पर कृपा करें, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखें और हमारा देश सभी नागरिक यश प्राप्त करें, कीर्ति प्राप्त करें, इसी आशा के साथ आज हमने इस कांवड़ यात्रा को किया है और सभी का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। हर हर महादेव, जय जय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।